हाय एवरी सो वेलकम टू जीएस टू इंडियन पॉलिटी लेक्चर फिफ्टी फोर ठीक है लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वोट ऑन क्रेडिट तक पूरा क्लोज़ करा था ठीक है वोट ऑन क्रेडिट का आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझा था जो आज तक इंडिया में कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ठीक है एंड बेसिकली वोट ऑन क्रेडिट आपका वो होता है कि जिसमें आपको इमीजिएट बेस पर जितना भी पैसा चाहिए आप यूज़ कर सकते हो एंड वंस द टास्क इज़ डन उसके बेसिस पे गवर्नमेंट बताती है कि भाई किस यूज़ के लिए पैसा यूज़ करा गया और कहाँ कहाँ उस पैसे का यूटिलाइजेशन हुआ सो so, uh, जब वो लोकसभा के अंदर शोकेस करते हैं सारी चीज़ें इफ द लोकसभा रिजेक्ट्स दैट वोट ऑन क्रेडिट तो इट माइट इवेंचुअली कॉज कि आपकी पूरी गवर्नमेंट कोलेप्स हो जाए ठीक है इंडियन <coughs> हिस्ट्री में आज तक वोट ऑन क्रेडिट यूज नहीं करा गया सो टिल देयर वी कवर्ड इन अ लास्ट लेक्चर ठीक है आज के लेक्चर में हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे वन इज़ योर लीडर ऑफ अपोजिशन ये आपका लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में एप्लीकेबल रहता है एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ठीक है लीडर ऑफ अपोजिशन के जो क्राइटेरियाज़ हैं कि कौन सी पार्टी या कौन बन सकता है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा उसके बारे में डिस्कस करेंगे बेसिक थम रूल है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी दस परसेंट मतलब एक मेजोरिटी पार्टी तो है ही जो कि गवर्नमेंट बनाती है उसके बाद जो अपोजिशन पार्टी रहेगी जिसने दस परसेंट से ज़्यादा लोकसभा की सीट्स जीती हैं उस पॉलिटिकल पार्टी में से एक बंदा आपका सेलेक्ट हो लीडर ऑफ अपोजिशन कहलाएगा ठीक है और पार्लियामेंट के बेसिस पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसका जो दर्जा है ठीक है या जो उसकी रेपूटेशन है या जो उसका रोल एंड रिस्पॉन्स मतलब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं बोलूँगा बट हाँ जो उसका रेपूटेशन होगा वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर ही होगा ठीक है द ओनली डिफरेंस इज कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है ठीक है तो ये कुछ क्राइटेरिया हम लीडर ऑफ़ अपोजिशन में पढ़ेंगे ठीक है इसके बाद द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ अ पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर हमारे दो टाइप्स के होते हैं एडॉक एंड स्टैंडिंग ठीक है पार्लियामेंट्री कमेटी आपका पूरा लक्ष्मीकांत चैप्टर ट्वेंटी थ्री ठीक है वहाँ पे पूरा डिटेल में है बट हम अपने लेक्चर्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं वो टोटल छः हैं उसको हम डिस्कस करेंगे जिसके अंदर आपका एस्टिमेट कमेटी ठीक है पब्लिक अकाउंट कमेटी कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ये सारी लिख देता हूँ मैं ठीक है जो हम छः आज के लेक्चर में कवर करेंगे दैट इज योर एस्टिमेट कमेटी, ठीक है पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है कमेटी ऑन पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ठीक है देन आपका uh, uh, जो हमने जब हम बिल जो पास कराते हैं उसमें हमने डिस्कस कराता है कि आपका डी आर एस होती है ठीक है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है देन आपकी प्राइवेट बिल जो एम नहीं मतलब जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं होते बट वो एम जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी कुछ बिल प्रपोज कर सकते हैं तो उस बिल को स्टडी करने का काम आपका प्राइवेट मेंबर्स कमेटी ठीक है ऑफ लोकसभा ये एंड आपका बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ठीक है ऑफ लोकसभा ये छह हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे बट आपको ये कंटेक्ट पता लग जाएगा कि कमेटी का पढ़ना क्या से क्या रहता है कितने मेंबर्स होते हैं क्या फंक्शनरीज होती हैं ये सब आप इन छह को समझ लोगे तो इट विल बी मोर देन सफिशियंट इसके बाद आप लक्ष्मी लक्ष्मीकांत में जाके पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कमिटीज़ भी हैं जो आई डोंट थिंक इस लेक्चर में इंक्लूड करना ज़रूरी था बिकॉज अगर आपने ये छः समझ ली तो आप वो बाकी के बहुत ही लाइक वन लाइनर्स या टू लाइनर्स हैं तो आपको पता होगा कि लक्ष्मीकांत से क्या कंटेंट पढ़ना उस चीज़ का ठीक है कि भाई कितने मेम्बर्स होते हैं चेयरमैन कैसे चेयरमैन किसको बनाया जाता है टेन ऑवर क्या होता है किस चीज़ को वो ओवरव्यू करते हैं तो यही चार पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपकी कमेटी जो बनती है उसको आप समझते हो पढ़ते हो ठीक है तो आज के लेक्चर में हम इन छः को कवर करेंगे ठीक है और बाकी जितने भी बच्ची वो लक्ष्मीकांत के अंदर आप जाके पढ़ोगे तो बहुत सारी मतलब लाइब्रेरी कमेटी भी हैं छोटी छोटी बहुत हैं वो तो जाके पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ईजिली ठीक है सो दिस इज द कंटेंट दैट विल बी कवरिंग सो बिफोर वी स्टार्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट आप में से कई लोग वीडियोज़ देख रहे हैं रेगुलरली वॉच कर रहे हैं बट यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग सो प्लीज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इफ यू लाइकिंग द कॉन्टेंट ठीक है सो फर्स्ट टॉपिक इज योर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है लोकसभा का क्या सीन रहता है कि आपको पता है कि यू हैव अ स्पीकर ठीक है देन यू हैव अ रूलिंग पार्टी एंड देन यू हैव अ ऑपोजिशन पार्टी ठीक है मैं पार्टी इसलिए लिख रहा हूं कि ऑब्वियसली आपके लोकसभा की बात हो रही है तो एम तो दोनों तरफ होंगे राइट तो अपोजिशन पार्टी यह आपका लोकसभा का केस है सिमिलरली केस आपका राज्यसभा का भी है ठीक है जहां पे आपका चेयरमैन है राइट वही वहां पे भी आपके एमपीज हैं ठीक है राज्यसभा सो so, <coughs> लोकसभा के अंदर जो आपका लीडर वो, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उसका एक क्राइटेरिया है कि उसको टेन परसेंट से ज्यादा उस जिस पार्टी को वो रिप्रेजेंट करता है उस पार्टी को टेन परसेंट से ज्यादा लोकसभा की सीटें जीतनी चाहिए मतलब अगर वो ऐसी ओपोजिशन पार्टी जैसे आज के टाइम पे कांग्रेस है तो बीजेपी के बाद कांग्रेस है जिसके पास सबसे ज्यादा वोट शेयर है लोकसभा की सीट्स का तो प्राइमरी क्राइटेरिया है कि उस ऑपोजिशन पार्टी को 10 परसेंट से ज्यादा लोकसभा की सीट जीतनी होनी चाहिए ठीक है एंड दैट एम शुड बी फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टी ठीक है 10% ऑफ लोकसभा सीट्स ये दो प्राइमरी क्राइटेरिया है टू बिकम लीडर ऑफ अपोजिशन ठीक है मैं लू नहीं बोलना चाहता बिकॉज इट माइट साउंड अ डिसरिस्पेक्टफुल बट अंडरस्टैंड कि मैं बार बार लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं लिख सकता सो एल डॉट ओ डॉट ओ ठीक है तो आप समझ जाना व्हाट डज इट मीन ठीक है अब लोकसभा का तो ये क्राइटेरिया है लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी सेम कॉन्सेप्ट है ठीक है सो so, इसके अंदर क्या है आपका जो राज्यसभा में कैलकुलेट होता है इस कैलकुलेटेड ऑन लोकसभा के प्रोपोर्शन के बेसिस पे ठीक है तो आपको भी पता है राज्यसभा के अंदर भी इलेक्शंस होते हैं वो राज्यसभा एक ऐसी आ, पार्लियामेंट का पार्टी जो कभी डिजोल्व नहीं होता तो लोकसभा के अंदर जितना प्रोपोर्शन होता है जिस पॉलिटिकल पार्टी का वो सेम प्रोपोर्शन यूज़ किया जाता है राज्यसभा के अंदर भी तो अगर जैसे आज के टाइम पे लोकसभा के अंदर लेट्स से जो रूलिंग पार्टी है दैट इज़ अ सिक्सटी परसेंट ठीक है और जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है दैट इज़ अ थर्टी परसेंट और बाकी जो तीसरी पार्टी है दैट इज़ अ टेन परसेंट ठीक है तो सिक्सटी थर्टी टेन के रेशियो में है तो वो सेम रेशियो आपका राज्यसभा के अंदर भी इम्प्लाई होगा और उसी के बेसिस पे आपका लीडर ऑफ अपोजिशन चूज़ किया जाएगा ठीक है इसका भी क्राइटेरिया यही है कि द एम पी मतलब जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेगा वो एम पी शुड बी अ राज्यसभा मेंबर ठीक है और बाकी क्राइटेरिया यही है कि आपका ऑपोजिशन पार्टी से होना चाहिए राइट एम पी फ्रॉम अपोजिशन पार्टी ठीक है तो राज्यसभा लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन का ये फंड है ठीक है आज के टाइम पे आई थिंक लोकसभा के अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है दट इज uh, खरगे जी ठीक है फ्रॉम कांग्रेस बट लोकसभा राज्यसभा दोनों में अलग अलग लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं ठीक है अब ये जो क्राइटेरिया है दिस इज योर एज पर द एक्ट ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा शुड हैव लीडर ऑफ अपोजिशन ठीक है तो यहां पर कुछ क्राइटेरिया थे और कैसे मेंबर बनते हैं <coughs> इसमें एक चीज लिख लेना लीडर ऑफ अपोजिशन इंजॉय द स्टेटस ऑफ ट मिनिस्टर ठीक है तो कैबिनेट मिनिस्टर का जोदा रहता है वही आपका लीडर ऑफ अपोजिशन इंजॉय करता है ठीक है तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपका लीडर ऑफ अपोजिशन का ठीक है लोकसभा राज्यसभा में अप्लाई होता है क्राइटेरिया ये है कि लोकसभा के अंदर 10 परसेंट से ज्यादा अपोजिशन पार्टी की सीट्स होनी चाहिए एंड दैट पर्सन हुई इज बिकमिंग द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा शुड बी अ अम्बर ऑफ लोकसभा ठीक है सेम गोज फॉर योर राज्यसभा ऑल्सो ठीक है बस उसमें जो प्रपोर्शन है जिस प्रपोर्शन के अंदर आप कैलकुलेट करोगे राज्यसभा के अंदर वो प्रपोर्शन आपका लोकसभा से लिया जाता है ठीक है एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इवेंचुअली एन्जॉय द स्टेचुर ऑफ स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर लीडर ऑफ अपोजिशन नाउ नेक्स्ट टॉपिक इस पार्लियामेंट्री कमेटी ठीक है इंपॉर्टेंट है बिकॉज uh, थोड़ी डिटेल में चीज़ें गई हैं बेसिकली पार्लियामेंट्री कमेटी आपकी बनाई इसलिए गई थी कि जो भी बिल आता है क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं जो एम होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो डिटेल में उस बिल को समझ सकें या उस पर जो भी उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं क्या उसमें चेंजेस आने चाहिए या ला सकते हैं उन चीज़ों को स्टडी करने के लिए दे आर नॉट मतलब दे डोंट हैव द टाइम नीदर डू नीदर डू दे हैव द एक्सपर्टीज ठीक है तो पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है कि भाई लोकसभा में कोई बिल आया जिसपे अध्ययन की ज़रूरत है या उसको डिटेल में समझने की ज़रूरत है तो पार्लियामेंट कई कमिटीज जो कि मतलब मैं आगे टाइप भी बता दूंगा देर आर टू टाइप्स बेसिकली स्टैंडिंग कमेटी एंड एडॉक्ट पार्लियामेंट्री कमेटी तो किसी भी बिल को अंडरस्टैंड या स्टडी करने के लिए पार्लियामेंट के पास कमिटीज़ होती हैं जो भी बिल आता है जैसे आपका कैक की रिपोर्ट आई या मनी बिल आया या कोई जैसे बोफोर्स जो हमारा आ, केस चला था उसके रिगार्डिंग कोई कमेटी है या उस पर जो एक्सपेंसिज हुए उसको स्टडी करना है तो पार्लियामेंट के पास ना मल्टीपल कमेटीज का ऑप्शन रहता है उस बिल को स्टडी करने के लिए उस कमेटी को असाइन किया जाता है कमेटी प्रॉपर डिटेल के अंदर उस चीज़ को स्टडी करती है ठीक है <coughs> उस चीज़ को स्टडी करने के बाद वो फाइनल रिपोर्ट अपनी लोकसभा या राज्यसभा के अंदर प्रोवाइड करती है ठीक है एंड देन द हाउस कैन टेक अ वाइज डिसीजन कि भाई उस बिल को पास करना है नहीं करना ठीक है सेकेंडली जो पार्लियामेंट्री कमेटी के मेम्बर्स होते हैं उसमें एम भी होते हैं आपके कुछ कमिटीज़ हैं जिसके अंदर प्रॉपर सारे से लोकसभा के मेंबर्स ही हो सकते हैं कुछ जॉइंट कमिटीज़ होती हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स कम कम्बाइंड होते हैं ठीक है <coughs> तो ये आपका बाइफिकेशन होता है और उसमें कुछ एक्सपर्टीज़ लोगों को भी रखा जाता है कि भाई आप डिटेल के अंदर उसको बताएं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है तो अगर कोई पी स्कॉलर होल्डर है तो वो उसको आप इंक्लूड करोगे इस कमेटी में कि भाई ये और ज़्यादा बेहतर इनसाइट दे सकता है किसी बिल के रिगार्डिंग डिस्कशन पे राइट इसके अलावा जो टेन्योर है पार्लियामेंट्री कमेटी का दैट विल बी योर वन ईयर ठीक है सो ये थोड़ा ब्रीफ था पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में अब इसमें लिख लो स्टार्ट द टाइम एंड एक्सपर्टीज एट द डिस्पोजल ऑफ पार्लियामेंट इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ विच इट कैनोट मेक अ वेरी डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव एंड अदर मैटर्स दैट कम्स अप बिफोर द पार्लियामेंट ठीक है दस स्टॉप दस अ गुड अमाउंट ऑफ पार्लियामेंट्री बिजनेस इज डेलीगेटेड टू पार्लियामेंट्री कमेटी ठीक है Parliamentary Business gets <coughs> delegated to Parliamentary Committee. <coughs> Next point. जो बेसिकली यू हैव पार्लियामेंट्री कमेटी जिसको मैं पीसी के नाम से स्टार्ट करूंगा बेसिकली दो टाइप की होती हैं आपकी वन इज़ योर स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी एंड अनदर इज योर एडहॉक पार्लियामेंट्री कमेटी ठीक है एडहॉक के अंदर भी फर्दर बाइफिकेशन होता है आपकी जैसे आपको कोई इंक्वायरी करानी है तो इंक्वायरी बेस्ड एडहॉक पार्लियामेंट्री कमेटी एंड अनदर इज योर एडवाइजरी कि भाई किसी बिल पे आपको एडवाइस चाहिए डिटेल एडवर्टीजमेंट मतलब एडवर्टीजमेंट नहीं मतलब एडवाइजरी चाहिए प्रॉपर डिटेल मैनर में तो उसके लिए आपकी एडवाइजरी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है ओके okay? इसके स्टैंडिंग कमेटी जो रहती है वो आपकी ऑल ऑफ ट्वेंटी फोर सेवन आपके डिस्पोजल के लिए है पार्लियामेंट के अंदर जैसे आपकी एस्टिमेट uh, कमेटी हो गई या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो गई वो हम डिस्कस करेंगे आगे इंक्वायरी और एडवाइजरी को क्लब कर दिया जाए तो आपके कई एडहॉक चीजें बनती है जैसे फॉर uh, एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो वी हैड जॉइंट कमिटी ऑन स्टॉक मार्केट ठीक है एक आपको पता होगा कि बोफोर्स का जो केस uh, हुआ था उस पर भी बनी थी तो यू हैव ज्वाइंट कमिटी ऑन बोफोर्स ठीक है ये कुछ एग्जाम्पल्स है आपके एडहॉक के जहां पे जब जैसे एक बोला गया कि भाई करप्शन है बोफोर्स के अंदर तो उसमें पार्लियामेंट ने उस चीज़ को डिटेल में समझने के लिए कि भाई जो एलिगेशन हैं करप्शन के चार्जेज हैं वो वैलिड है या नहीं उसके लिए पार्लियामेंट ने खुद की एक कमेटी उसी वक्त एडॉक बनाई जो कि जॉइंट कमेटी थी जिसके अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स थे टू तो एनालाइज कि भाई बोफोर्स का है क्या सीन ठीक है जॉइंट कमेटी मीन्स यू हैव द मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा प्लस राज्यसभा एज योर कमेटी मेंबर्स ठीक है ओके सो बेसिकली ये आपकी बेसिक डेफिनेशन हो गई पार्लियामेंट्री कमेटी की ठीक है देर आर टू टाइप्स स्टैंडिंग कमेटी एडॉक कमेटी एडॉक के अंदर आपका इंक्वायरी <coughs> और एडवाइजरी होते हैं ठीक है और स्टैंडिंग uh, कमेटी आपके ट्वेंटी फोर सेवन रहते हैं ठीक है इसमें लिख लो स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी इज इलेक्टेड और अपॉइंटेड एवरी ईयर और पीरियोडिकली एंड देयर इज वर्क गोज एंड देर वर्क गोज एंड देयर वर्क गोज ऑन कंटिन्यूस एंड देयर वर्क गोज ऑन कंटिन्नी एंड इवेंचुअली देयर वर्क नवर गेट्स एबॉलिस्ड ठीक है एडॉक में लिखो एडॉक पार्लियामेंट्री कमेटी आर अपॉइंटेड एज द नीड अराइजेज बट दिस टू एग्जिस्ट बट दे सीज टू एग्जिस्ट एज सुन एज द टास्क गिवन टू दे तो यहां पर अगर जो <coughs> बोफोर्स की कमेटी है सॉरी बोफोर्स की कमेटी ने जैसे ही अपना रिपोर्ट रखा ठीक <coughs> है बोफोर्स की कमेटी ने जैसे ही अपना रिपोर्ट रखा उसके बाद दैट कमेटी विल बी एबॉलिश एंड दे विल नॉट है जैसे नीड आई उसके बेसिस पर एडॉप्ट कमेटी बन गई ठीक है, सो बेसिक डिफरेंस और पार्लियामेंट्री कमेटी आपकी डिस्पोजल के लिए रहती है वो पीरियोडिकली काम करती है हर साल अपॉइंट करी जाती है कि कुछ ना कुछ काम रहता ही उनका ओके नाउ इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज ठीक है यहां से हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी हम डिस्कस करेंगे तो फर्स्टली विल लिस्ट डाउन फर्स्ट इज योर एस्टिमेट कमिटी पी एस इज योर पब्लिक अकाउंट कमिटी ठीक है सी इज योर कमिटी ऑन पीएसयू पब्लिक सेक्टर पीएससी ले लो या अंडर पब्लिक पीएसयू कह सकते हो पीएससी कह सकते हो अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज यही फर्क है बस ठीक है डिपार्टमेंट <coughs> है आपका डी आर एस सी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ठीक है ठीक है प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशन कमिटी ऑफ लोकसभा एंड सिक्स इज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऑफ लोकसभा ठीक है तो ये छः के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज ओके सो बिफोर वी बिगिन इट्स इम्पोर्टेंट कि भाई जो आपकी कमेटी है वो बनती कब है ठीक है तो फंडा क्या रहता है कि वेन एवर अ बिल कम्स अप बिफोर द हाउस फॉर जनरल डिस्कशन और अगर उसको हाउस डिसाइड करता है कि भाई हम किसी स्टैंडिंग कमेटी या किसी सेलेक्टेड कमेटी को मतलब बिल के आने के बाद आपका पार्लियामेंट्री का जो हाउस है वो डिसाइड करता है कि भाई किसी कमेटी को रेफर करना है या जॉइंट कमेटी को रेफर करना है ठीक है उसके लिए एक मोशन मूव होता है हाउस के अंदर लोकसभा के अंदर फॉर एग्जांपल और वो मोशन पास होने के बाद ही आपकी अगर वो अडॉप्ट हो जाता है रेजोल्यूशन उसके बाद ही आपकी कमेटी उस चीज़ को टेकअप करेगी ठीक है जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन में क्या रहता है कि अगर आपका लोकसभा के अंदर वो रेजोल्यूशन पास हो गया तो राज्यसभा को कन्वे कर दिया जाता है कि भाई ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस्टेब्लिश हो रही है इस चीज़ के लिए तो आप अपने जो मेम्बर्स हैं उनको आप बता दो कौन कौन हमारे जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन का मतलब सेशन नहीं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बनेंगे सो so दैट जो बिल पे डिस्कशन या एनालिसिस करना है वो पॉसिबल हो सके ठीक है सो <coughs> so, ये दिस इज हाउ कमेटी गेट्स अपॉइंटेड ऑन अ बिल व्हिच इज मूवड इन इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ठीक है नाउ विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट एस्टिमेट कमिटी ठीक है लिखो इसमें एस्टिमेट कमेटी आर लाइक द फाइनेंशियल एडवाइजरी ऑफ गवर्नमेंट हु सजेस्ट द पार्लियामेंट हु सजेस्ट टू पार्लियामेंट एंड देन इवेंचुअली पार्लियामेंट कैन आस्ट द गवर्नमेंट ठीक है सो बेसिकली आपका एस्टिमेट कमिटी इज लाइक फाइनेंशियल एडवाइजरी ऑफ गवर्नमेंट ठीक है हुस्ट टू पार्लियामेंट मतलब जो कमेटी है एस्टीमेट कमेटी वो पार्लियामेंट से पूछती है या बताती है उनको कि भाई ये ये चीज़ें आपको सरकार से पूछनी चाहिए और वो इवेंचुअली पार्लियामेंट उस गवर्नमेंट से पूछता है ठीक है ओके okay. बेसिकली जो कमेटी की रिपोर्ट्स होती हैं वो ऐसा रहता है कि भाई पैसे कहाँ बजट के कहाँ कहाँ जा रहे हैं वेदर द मनी लेड वेल विद इन द लिमिट्स ऑफ द पॉलिसी डिस्कस इन बजट कि भाई बजट के अंदर दस हज़ार करोड़ की बात हुई थी फॉर एक्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए बट वहाँ पर आपके डिस्क्रिपेंसी आई आपने दस हज़ार की जगह बारह बारह हज़ार करोड़ की डिमांड रख दी या डिमांड फॉर ग्रांट रख दिया या आपने कंज्यूम कर लिया तो ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है पैसे का सही यूज़ हो रही है हो रहा है या नहीं हो रहा है एफिशंसी इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली अचीव हो रही है कि नहीं हो रही है जैसे किसी भी मिनिस्ट्री या किसी भी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के अंदर चीज़ें वर्क नहीं कर रही है। ठीक है देर आर अ वेरी हाई ग्रीवांज फ्रॉम द पब्लिक रिगार्डिंग एनी डिपार्टमेंट और एनी मिनिस्ट्री की भाई ठीक है गवर्नमेंट uh, के हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज ही नहीं हो रहा तो पीपल आर रेजिंग कंसर्न पीपल आर रेजिंग देर नॉइसिस कि भाई ये जो चीज़ बहुत खराब चल रही है इसको सुधारो ठीक है ऑल्सो एस्टिमेट जो दिए जाते हैं गवर्नमेंट की भाई कि हम कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं कितना एक्सपेंडिचर हमारा हो सकता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या करेंट फाइनेंशियल ईयर में उसको भी एक बेटर फॉर्मेट में सजेस्ट करने के लिए कमेटी इतने सारे सजेशन देती है या रिपोर्ट अपनी सबमिट करती है ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपके एस्टिमेट कमेटी का ही पार्ट है ठीक है इसके अंदर जो टोटल मेबर्स होते हैं देर आर थर्टी मेंबर्स थर्टी मेंबर्स एंड ऑल आर फ्रॉम लोकसभा मेंबर है तीस के तीस मेंबर आपके लोकसभा के रहते हैं ठीक है <coughs> अब इनका जो चेयरमैन होता है चेयरमैन बाय कन्वेंशन इज फ्रॉम रूलिंग पार्टी ठीक है तो तीस मेंबर्स की कमेटी बनती है सारे के सारे लोकसभा के मेंबर्स होते हैं और जो हेड होता है चेयरमैन होता है ठीक है वो आपका बाई कन्वेंशन रूलिंग जो पार्टी है जो गवर्नमेंट जिसने गवर्नमेंट बना रखी है उसी का ही मेम्बर होता है ठीक है जो टेन होता है मतलब टेन क्या हर साल आपके जो टेन इज वन ईयर ठीक है और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के जो इस कमेटी का हिस्सा बनते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करा सिक्सटी थर्टी और टेन एम हैं लोकसभा के अंदर तो इसी प्रोपोर्शन के अंदर आपके जो एस्टिमेट कमेटी के मेंबर्स होंगे उसके अंदर भी सेम प्रोपोर्शन यूज होगा 60 30 10 ठीक है तो अगर आपके 30 मेंबर हैं तो आपके उसमें 60 परसेंट रूलिंग पार्टी से होंगे 30 परसेंट दूसरी पार्टी से होंगे जो सेकंड पार्टी है और 10 परसेंट आपके दूसरी पार्टी से होंगे जो लीस्ट uh, जिसकी मेजोरिटी है और जो मेजोरिटी रूलिंग पार्टी से है तो ऑब्वियसली उसी का ही एक मेंबर आपका चेयरमैन बनेगा ठीक है इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज कि नो मिनिस्टर फ्रॉम गवर्नमेंट कैन बिकम द मेंबर एस्टिमेट कमिटी ठीक है कोई भी मिनिस्टर है वो एस्टिमेट कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता ठीक है <coughs> तो एक पॉइंट लिख लो जो हमने इधर एस्टिट प्रोपोर्शन वाली बात करी थी इस पर लिख लो एस्टिमेट कमेटी मेंबर्स आर इलेक्टेड एवरी ईयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ठीक है तो इसका फंडा वही रहता है कि आपके 60 परसेंट अगर लोकसभा के अंदर बीजेपी जीती है तो उस कमिटी के अंदर भी साठ परसेंट जो तीस तीस टोटल मेंबर्स है तीस में से साठ परसेंट इज एटीन एटीन बी फ्रॉम द बीजेपी गवर्नमेंट ओनली ठीक है और बाकी जो बारह बच्चे वो आपके अदर पार्टीज में से मेंबर्स चूज करके उनको कमेटी में लाया जाएगा ठीक है <coughs> जो कमिटी का चेयरमैन है चेयरमैन ऑफ कमेटी is appointed by Lok Sabha Speaker, ठीक है, from within the committee, ठीक है, <coughs> और इसमें last लिख लो कि uh, committee पब्लिश रिपोर्ट्स ऑन मतलब किस किस चीजों पे या कहाँ-कहाँ जो उसकी क्राइटेरिया है जिस पे वो रिपोर्ट सबमिट कर सकती है तो उसमें पहला लिख लो ऑल्टरनेट ऑल्टरनेटिव पॉलिसी मतलब इसमें फर्स्ट लिख लो व्हाट ऑल्टरनेट पॉलिसी कैन ब्रिंग मोर एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है सेकंड लिखो वेदर द मनी लेड वेल विद इन द लिमिट्स ऑफ द पॉलिसी डिस्कस इन द बजट ठीक है और तीसरा लिखो इट द रिपोर्ट कैन ऑल्सो सजेस्ट द फॉर्म्स इन विच द एस्टिमेट शैल बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट ठीक है एस्टिमेट टू पार्लियामेंट ठीक है सो ये आपका फर्स्ट था एस्टिमेट कमेटी नाउ विल मूव टू द सेकंड वन दैट इज योर एस सी पब्लिक अकाउंट कमिटी पब्लिक अकाउंट कमिटी ठीक है इसको ऑल्सो नोन एज वॉचमैन ठीक है तो अभी कभी प्रिलिम्स में आ जाए कि भाई वॉचमैन या पुलिसमैन कमेटी कौन सी है तो इट इज ऑब्वियसली योर पब्लिक अकाउंट कमेटी ठीक है तो इसमें सबसे पहले जो पब्लिक अकाउंट कमिटी एनालाइज करती है इट एनालिस इट डू द एनालिसिस ऑन योर अप्रोप्रिएट बिल अप्रोप्रिएट एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ठीक है अप्रोप्रिएट हमें पता है दैट इज योर एक्सपेंडिचर एंड फाइनेंस इज योर रेवेन्यू ठीक है मतलब जो जा रहा है एक्सपेंडिचर और जो आ रहा है ठीक है इट ऑल्सो डू द एनालिसिस ऑन द कैग रिपोर्ट्स, कॉम्प्यूटर ऑर्डिटर कॉम्प्यूटर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया ठीक है कैग की रिपोर्ट पे एनालिसिस भी देता है ये ठीक है इट ऑल्सो डू द एनालिसिस, मतलब कमिटी इन्श्योर्स द पब्लिक मनी इज स्पेंड बाय द गवर्नमेंट ओनली एंड अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंटी डिसीजन एंड इट कॉल्स अटेंशन ऑफ पार्लियामेंट इन द केस ऑफ वेस्ट और एक्स्ट्रा लॉस फ्रॉम गवर्नमेंट अकाउंट की अगर भाई ज्यादा पैसा यूज हो रहा है या जो पैसा यूज हो रहा है कंज्यूम हो रहा है उसमें वेस्टेज ज्यादा है तो वो सारी चीजें कॉल आउट करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी ठीक है इसमें लिख लो तीसरा वाइज यूज ऑफ पब्लिक मनी ठीक है अब इसके अंदर जो मेंबर्स हैं जैसे आपका एस्टिमेट कमेटी के अंदर तीस मेंबर्स थे इसके अंदर आपके टोटल ट्वेंटी टू मेंबर्स होते हैं बट ट्वेंटी टू मेंबर्स आपके पूरे के पूरे लोकसभा से नहीं होते 22 मेंबर्स में से आपके 15 लोकसभा से होते हैं और सात आपके राज्यसभा से होते हैं ठीक है तो यहां पे आपके दोनों हाउसेस uh, के बंदे आते हैं एंड दे इवेंचुअली बिकम द मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ठीक है इसका जो चेयरमैन होता है चेयरमैन कुड बी फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा एंड बाय कन्वेंशन मतलब बाय कन्वेंशन इट इज फ्रॉम ठीक है अपोजिशन पार्टी हमने एस्टिमेट कमेटी में देखा था कि वहां पर रूलिंग गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी का जो बंदा है वो चेयरमैन बनता है बट यहां पे जो अपोजिशन पार्टी है उसका मेंबर आपका चेयरमैन बनता है बट दैट मेंबर कुड बी फ्रॉम द लोकसभा और राज्यसभा ठीक है इसका भी टेन्योर ऑर वन ईयर है सो एवरी ईयर फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा द मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी आर इलेक्टेड ठीक है और इसके अंदर भी आपका कॉन्सेप्ट वही है रिप्रेजेंटेशन का आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ठीक है वही आपका सिक्सटी थर्टी टेन वाला फंड है ठीक है इसके अंदर भी आपका मिनिस्टर कैन नॉट बी पार्ट ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट बी पार्ट ऑफ कमिटी ठीक है एंड जो तो चेयरमैन है मतलब इवन दो, दो मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा राज्यसभा बोर्ड बट जो चेयरमैन ऑफ कमिटी इज अपॉइंटेड बाई लोकसभा स्पीकर ओनली इज अपॉइंटेड बाय लोकसभा स्पीकर ठीक है तो यह आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी था सेकेंड बाईस मेंबर्स हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों से ठीक है पुलिस मैन और वॉचमैन भी बोला जाता है इसको बिकॉज सर आम जनता का जो पैसा है वो प्रॉपरली यूज हो रहा ही नहीं हो रहा है उसको एनालिसिस करता है ठीक है चेयरमैन इज इलेक्टेड मतलब चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय मतलब जो अपॉइंट करा जाता है चेयरमैन इज अपॉइंटेड लोकसभा स्पीकर और जो चेयरमैन होता है वो बाय कन्वेंशन ऑपोजिशन पार्टी का होता है ठीक है सो मूविंग टू द थर्ड वन कमेटी ऑन पीएसू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और पीएससी एक ही बात है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज ठीक है अब इसका जो प्राइमरी काम है वो आपका एनालाइज, एनालिसिस ऑन कैग रिपोर्ट स्पेसिफिक टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ठीक है जो भी पीएसयूज में हो रहा है जो आपका इनकम है प्रोजेक्ट है एक्सपेंडिचर है एफिशियंसी है जो भी कैक की रिपोर्ट में आता है पीएसयू के रिलेटेड उसको प्रॉपरली एनालिसिस करने का काम आपका कमिटी ऑन पी एस यू के पास रहता है ठीक है इसमें लिखो नेक्स्ट की कमिटी विल ऑल्सो एग्जामिन वेदर पीएसयू आर रन एफिशियंटली एंड मैनेज अकॉर्डिंग टू द साउंड बिजनेस प्रिंसिपल ओके okay. तो बजदम फंडा वही है कि पीएस में आपका ऐसा नहीं है कि वो लॉस मेकिंग मशीन बन जाए ठीक है थीके? कि जहाँ पे गवर्नमेंट पैसे पे पैसे इन्फ्यूज़ करा जा रहा है बट ना तो उसका कोई आउटकम है ना ही वो कोई एफिशिएंसी अचीव कर पा रहा है और राधर देन जनरेटिंग रेवेन्यू इट हैज बिकम अ मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस क्रिएट uh, करने की मशीन बन गई तो उस सब चीज़ों को एनालिसिस करने का काम आपका कमेटी ऑन पी के पास है ठीक है इसके जो मेम्बर्स हैं यू हैव ट्वेंटी टू मेंबर्स ऑफ द कमेटी ठीक है सेम वही है पंद्रह लोकसभा से और बाकी के सात राज्यसभा से ठीक है जो चेयरमैन है इसका जो चेयरमैन है इज इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा ठीक है अपॉइंटेड बाय लोकसभा स्पीकर ठीक है इसका भी फंडा वही है वन ईयर का टेन है एंड मिनिस्टर कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ कमिटी ठीक है इसके अंदर भी वही है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ठीक है मैं वो एक चीज़ बार बार रिपीट नहीं लिखूंगा सो आई एम जस्ट राइटिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ठीक है सो बाईस मेंबर्स हैं पंद्रह लोकसभा से सात राज्यसभा से जो चेयरमैन बनेगा वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए ठीक है और उसको अपॉइंट आपका लोकसभा का स्पीकर करता है एक साल का टेन्योर है और मिनिस्टर आपका कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ योर डी ये हमने डी पढ़ा था आपका जब डिमांड फॉर ग्रांट वगैरह पे डिस्कशन कर रहे थे कि भाई जो भी मिनिस्ट्रीज़ की डिमांड होती है वो एक ट्वेंटी फोर देर आर इन टोटल ट्वेंटी फोर डी ठीक है ट्वेंटी फोर डी जो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज के जो डिमांड फॉर ग्रांट पर जो रिक्वायरमेंट्स है उसको स्टडी करता है प्रॉपरली ठीक है सो डी इज़ योर डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है अब इसके जो मेंबर्स होते हैं मतलब टोटल ट्वेंटी फोर डी है और एक डी के अंदर टोटल थर्टी वन हैं, थर्टी वन है? इसमें से दस तुम्हारे राज्यसभा से होते हैं और इक्कीस ट्वेंटी वन इज फ्रॉम लोकसभा ठीक है अब बेसिकली का डी का काम क्या है तो ऑब्वियसली फर्स्टली वी नो ये डिमांड फॉर ग्रांट जो रहता है टू कंसिडर एंड एनालाइज द डिमांड फॉर ग्रांट फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज डिमांड फॉर ग्रांट एनालिसिस फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज ठीक है यह आपका एनुअल रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज उसको एनालाइज़ करता है कि भाई किस मिनिस्ट्री ने किस किस चीज़ों पे काम करी कितना पैसा आया कितना पैसा गया वो सारी चीज़ें आपकी डी आर एस सी करते हैं ठीक है डी आर एस सी ऑल्सो कंसिडर्स द बिल एंड द पॉलिसी डॉक्यूमेंट विच आर प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट बाई वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड इफ रेफर टू देम बाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस ठीक है तो जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन या पॉलिसीज आती हैं ऑफ एनी मिनिस्ट्री पॉलिसी डॉक्यूमेंट ठीक है Bills of any ministry are analyzed by DRSC if asked by presiding officer of. हाउस ठीक है तो ये आपका डीआरएससी हो गया इसके अंदर आपका इकतीस से ज्यादा मेंबर हो नहीं सकते हमने डिस्कस कर लिया ठीक है सो दिस वाज योर डीआरएससी ठीक है नेक्स्ट आपका यू हैव प्राइवेट मेंबर बिल एंड रेजोल्यूशन कमिटी ऑफ लोकसभा ठीक है सो बेसिकली इसमें क्या रहता है जो प्राइवेट मेंबर्स हैं ठीक है प्राइवेट मेंबर्स का क्या मतलब रहता है कि वो एम हैं बट दे आर नॉट फ्रॉम द रूलिंग गवर्नमेंट ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर आज के टाइम चाहें तो सोनिया गांधी कोई बिल अपना प्रपोज कर सकती हैं बट अगर उस बिल पे स्टडी चाहिए बिकॉज सोनिया गांधी रूलिंग गवर्नमेंट मतलब जो रूलिंग पार्टी है उधर से नहीं है और रूलिंग गवर्नमेंट का भी पार्ट नहीं है तो उनकी जो बिल है अगर उस पर स्टडी करनी है तो उसके लिए आपके प्राइवेट मेंबर कमेटी ऑफ लोकसभा का यूसेज आता है दे कैन एनालाइज एंड स्टडी द बिल दैट इज़ प्रपोज बाय सोनिया गांधी ठीक एंड अकॉर्डिंगली दे कैन सजेस्ट दे कैन डू द सजेशन ऑल्सो उस वो बिल लोकसभा के अंदर आ भी सकता है प्रपोज भी हो सकता है दर इज नो हार्म बट हाँ कि वो पास होगा नहीं होगा दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन बिकॉज द मेजोरिटी किसी और रूलिंग पार्टी की है तो ऑब्वियसली द बिल वो ओन गेट पास ठीक है तो इसमें लिख लो इसके अंदर प्राइवेट मेंबर्स uh, ठीक है प्राइवेट मेंबर्स में लिख लो एमपी uh, फ्रॉम नॉन रूलिंग पार्टी ठीक है <coughs> इसमें लिख लो इसके अंदर कमिटी एलोकेट्स द टाइम टू वेरियस बिल्स इंट्रोड्यूस बाय प्राइवेट मेंबर्स इन लोकसभा ठीक है कमिटी एलोकेट्स टाइम टू वेरियस ट बिल ठीक है नेक्स्ट लिखो द कमेटी ऑल्सो एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रपोज बाय द प्राइवेट मेंबर बिफोर इट इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ठीक है तो बिल से मतलब ये नहीं है कि आप जो फर्स्ट टाइम ड्राफ्ट लेके आ रहे हो बिल का उसी को ही कमेटी रेफर कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स जो रहते हैं आपके 368 वाले आर्टिकल 368 ठीक है 215, 217 फाइनेंस बिल मनी बिल ऑर्डिनरी बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो इनमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो रहता है उसको भी कमेटी रेफर कर सकती है स्टडी कर सकती है बिफोर इट गेट ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ठीक है इसका जो मेंबर है बिकॉज ये लोकसभा है तो सारे मेंबर्स 15 लोकसभा मेंबर्स ओनली ठीक है और इसका जो डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन चेयरमैन ऑफ कमेटी ठीक है तो जो डेप्यूटी स्पीकर है लोकसभा का वही आपका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है इस कमेटी का दैट इज योर प्राइवेट मेंबर बिल प्राइवेट मेंबर कमेटी ऑफ लोकसभा ठीक है टोटल पंद्रह मेंबर्स हैं फिफ्टीन मेंबर्स ठीक है सो ये आपका पूरा था प्राइवेट मेंबर कमिटी ऑफ लोकसभा नाउ द लास्ट कमिटी दैट विल स्टडी इज बिजनेस एडवाइजरी कमिटी ऑफ लोकसभा ठीक है अब इसमें क्या रहता है इसमें लिख लो कमिटी रेगुलेट्स द प्रोग्राम एंड टाइम टेबल ऑफ लोकसभा एंड अलोकेट्स टाइम फॉर ईच जॉब बिफोर द हाउस ठीक है अब देखो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्या रहता है कि भाई लोकसभा कैसे फंक्शन करेगा कौन कौन से टास्क पहले पिक होंगे अगर कोई प्रायरिटी की चीज़ है वो किस फॉर्म में जाएगी किस मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट को कितना टाइम मिलेगा कितनी देर के अंदर वो बिल आ जाना चाहिए या उस पर जो भी ऑफिशियल वर्क रहता है उन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ और सिस्टमेटिक वे में करने के लिए यू हैव बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ठीक है इसके अंदर यू हैव मेंबर्स टोटल पंद्रह ठीक है और इसका जो स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी ठीक है तो प्राइवेट मेंबर बिल का आपका जो चेयरमैन था कमेटी का वो आपका डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा था और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऑफ लोकसभा का जो चेयरमैन है उस कमेटी का वो आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा है ठीक है दोनों के अंदर आपके पंद्रह पंद्रह मेंबर्स रहते हैं ठीक है एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे हमने लोकसभा की बात करी थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसका ही एक सब पार्ट है आपका बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऑफ राज्यसभा कमेटी ऑफ राज्यसभा ठीक है अब उसमें क्या रहता है जैसे इसके अंदर तो आपके पंद्रह मेंबर्स हैं राज्यसभा के अंदर यू हैव इलेवन मेंबर्स ठीक है और ये जो इसके एक्शन होते हैं इट एक्ट एज अ प्राइवेट मेंबर जो हमारे लोकसभा के प्राइवेट मेंबर कमेटी थी ठीक है प्राइवेट मेंबर कमिटी ऑफ लोकसभा प्लस जो आपकी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी थी इन दोनों को क्लब करके आप जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करोगे ठीक है तो इन दोनों को क्लब करके आपकी ये कमेटी बनती है ठीक है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऑफ राज्यसभा इट इट इज लाइक कंबाइंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ लोकसभा का जो प्राइवेट मेंबर कमेटी है उसका प्लस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऑफ लोकसभा दोनों को क्लब करके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फॉर राज्यसभा ठीक है दैट इज असाइन टू बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऑफ राज्यसभा टोटल मेंबर्स कितने इसके अंदर ग्यारह ठीक है और चेयरमैन राज्यसभा इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी राज्यसभा ठीक है बी मैंने लिख लिया है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी राज्यसभा ठीक है उसका जो चेयरमैन है उस कमेटी का ग्यारह का जो हेड है दैट इज बाय डिफॉल्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ठीक है तो इसका भी फंक्शन वही है इट uh, लिख लो इट एलोकेट्स टाइम फॉर इच बिल एंड बिजनेस बिफोर राज्यसभा इंक्लूडिंग अ प्राइवेट मेंबर्स ठीक है सो दिस इज ऑल फॉर टूडे इसके साथ ही हमने पार्लियामेंट्री कमेटी पूरा क्लोज कराया आप जाके चैप्टर ट्वेंटी थ्री उठा के पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पार्लियामेंट्री कमेटी इसका कैसे कितना पढ़ना है वो समझ में आ गया बाकी छोटे छोटे कमेटीज और है, वो आप जाके पढ़ोगे तो इट विल बी वेरी क्लियर एक चीज़ याद रखना जो कैक की रिपोर्ट हमने पढ़ी थी कैक की रिपोर्ट में आपका फाइनेंस बिल अप्रोप्रिएशन बिल ठीक है एंड ऑडिट रिपोर्ट ठीक है ऑडिट रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कैक के बारे में जो हमने डिस्कस करा उसमें से ये भी उसका सब पार्टी रहता है जो आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर स्टडी होती है कैक की रिपोर्ट के अंदर इनमें इन से कुछ भी अगर आया है तो वो आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी रिव्यू कर सकती है प्रॉपरली ठीक है सो विद दिस वेयर एंडिंग टू लेक्चर एंड प्लस जो आपके पार्लियामेंट्री वाला पूरा फॉर्मेट था कि भाई बिल कैसे निकलेगा बजट कैसे निकलेगा वो सारी चीज़ें हमने क्लोज करी हैं फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट अ वेरी फ्रेश टॉपिक दैट इज योर इलेक्शंस ठीक है बेसिकली विल स्टार्ट विद टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल सिस्टम्स अक्रॉस द वर्ल्ड जिसके अंदर जो इंडिया के अंदर यूज होता है आपका फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम ठीक है देन विल ऑल्सो डिस्कस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ठीक है जहाँ इसराइल और स्पेन में यूज होता है ठीक है विल ऑल्सो डिस्कस द मिक्सड एंड मिक्सड एंड हाइब्रिड सिस्टम ऑफ इलेक्शंस ठीक है टू बैलेट सिस्टम राइट ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सो बेसिकली इंट्रोडक्शन टू इलेक्शन विल स्टार्ट ठीक है देन विल ऑसू मूव टू डिफरेंट आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फोर थ्री ट्वेंटी फाइव थ्री ट्वेंटी सिक्स विच आ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिगार्डिंग द इलेक्शन और हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ठीक है सो so, अब नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट विद हाउ द इलेक्शन हैपन रिटर्निंग ऑफिसर का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे ठीक है इलेक्शन ऑब्जर्वर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ठीक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल ऑल्सो डिस्कस इज विदेशन आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फोर वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी ठीक है सो वी आर इवेंचुअली मूविंग टूवर्ड्स द इलेक्शन एंड इलेक्शन के बाद आपका जो स्टेट गवर्नमेंट वाला फंडा है ना उस पर हम स्टार्ट करेंगे रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को क्लोज करते हुए कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह होगा ठीक है तो अगले दो तीन लेक्चर आपके इलेक्शन से रिलेटेड होंगे ठीक है इसके बाद मैं बता देता हूँ आपके आर पी एक्ट आर पी ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी ठीक है हाउ इलेक्ट uh, elect, जो इलेक्शन की पार्टी होती है ठीक है रिकोगनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी उसका क्या रूल है क्या उसके प्रोविजन हैं ऑल दोज थिंग्स विल डिस्कस ठीक है विल ऑल्सो डिस्कस वन नेशन वन इलेक्शन जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइप पे है तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं ठीक है क्रिमिना क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ठीक है वो हम सब डिस्कस करेंगे ठीक है एंड देन विल मूव टूवर्ड्स योर लास्ट पार्ट देट इज योर स्टेट्स स्टेट के अंदर आपके एग्जीक्यूटिव गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ठीक है सो ओवरऑल येस आई बिलीव टेन टू ट्वेल्व मोर लेक्चर्स विल बी देयर टू कम्पलीट द होल पॉलिटिक क्योंकि इसके बाद जो बचेगा वो आपका बेसिक्स हैं जो अगर आप वहाँ से भी पढ़ोगे ना लक्ष्मीकांत से तो भी ज़्यादा इम्पैक्ट देगा नहीं ठीक है सो दिस इज ऑल फॉर टुडे नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्शन स्टार्ट करेंगे ठीक है आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इफ यू लाइक द कॉन्टेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज ठीक है लाइक शेयर सब ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग कीप स्टार्टिंग कीप वर्किंग हार्ड आई सी यू द नेक्स्ट वन बाय बाय टेक केयर